ये हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी एक डेमोक्रेटिक इंक्वायरी कमेटी नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग कम्युनिटी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। आप एक डेमोक्रेटिक इंक्वायरी कमेटी बनाइए ताकि उसकी रिपोर्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से सामने आए और उसके आधार पे कोई कार्रवाई की जाए, और रिपोर्ट की पूरी कॉपी जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं सौंपी गई, खास करके वो हिस्सा जिसमें रिकमेंडेशन था कि किसके ऊपर क्या चार्ज है और उस आधार पर उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, रिपोर्ट का वो हिस्सा स्टूडेंट्स को नहीं दिया गया। जिस आधार पे वो लोग इंक्वायरी किए हैं उसमें जो लोग विक्टिम हैं या जिनको आज टारगेट किया जा रहा है उस रिपोर्ट के आधार पे, उनको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। बार बार उस इंक्वायरी रिपोर्ट में 9 फरवरी के इंसिडेंट की चर्चा कर रहे हैं, जिस पे आपका कहना है कि अनुशासनहीनता की गई स्टूडेंट्स के द्वारा। अगर अनुशासनहीनता स्टूडेंट्स के द्वारा की गई तो फिर स्टूडेंट्स के ऊपर सेडिशन का चार्ज क्यों लगाया गया? इस इंक्वायरी कमेटी में के रिपोर्ट में कहा गया है कि बाहर के लोगों ने स्लोगन लगाया। अगर बाहर के लोगों ने स्लोगन लगाया तो आप अपने कैंपस के लोगों के ऊपर किस आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं? यह प्रशासन स्पाइनलेस है, और यह प्रशासन इस यूनिवर्सिटी को JNU का जो अपना ऑर्डिनेंस है उसके आधार पर चलाने की बजाय कहीं और से जो कुछ फोन कॉल आ रहा है उसके आधार पे चला रहा है। हम JNU की लड़ाई के साथ साथ रोहित एक्ट को लागू कराने की लड़ाई को लड़ते रहेंगे, और इस देश की सरकार और प्रशासन को ये हमेशा बताते रहेंगे कि यह देश संविधान के अनुकूल चलेगा, नियमों के अनुकूल चलेगा, और किसी भी तरीके का आर्बिट्ररी एक्शन हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।